अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुछ रोज़ पहले विज़िट हुआ फैसल टाउन फेज़ 2 का, उसकी ऑनर चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ डीलर्स की एक मुख्तसर सी टीम गई, जिसमें उन्होंने अपनी सोसाइटी की एग्जैक्ट लोकेशन समझाई। ये सोसाइटी चक्री रोड पे है या ठलियाँ, ये डिबेट तो अब ख़त्म हुई, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि ठलियाँ से ही स्टार्ट हो जाती है। सामने आप देख सकते हैं कटी पहाड़ी, जो पहले कभी भी कटी पहाड़ी नहीं कहलाती थी, लेकिन कराची के एक मशहूर इलाके कटी पहाड़ी के नाम को लेके इस जगह को भी कटी पहाड़ी का नाम देना शुरू कर दिया लोगों ने, और अब ये इसी नाम से मशहूर है। तो हम भी यही नाम ले लेते हैं कि हम अब कटी पहाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखिए, ये सामने जो एरिया स्टार्ट हो चुका है, ये लेफ़्ट साइड पे जितना एरिया है, ये आपका फैसल टाउन फेज़ 2 ही है। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली ये यहाँ से स्टार्ट होती है सोसाइटी, और बहुत तवील इसका आप समझ लें कि रकबा इन्होंने एक्वायर कर लिया है, और चक्री रोड तक इसका एरिया फैला हुआ है। फिर ये डिबेट भी रहती है कि अगर ये ठलियाँ पे है तो ठलियाँ से इसकी एंट्री कैसे होगी, लेकिन फिल वक्त डेफिनेटली मोटरवे के ऊपर से इस मुकाम जो आपको दिखाया है, यहाँ से एंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी ठलियाँ से इस जगह तक, सोसाइटी तक जाया जा सकता है। लेकिन आज का विज़िट जो हम करवा रहे हैं आपको, हम दिखाएंगे इसकी एंट्रेंस चक्री रोड से कैसी है। रास्ते पे कैपिटल स्मार्ट सिटी से गुज़र हुआ, चक्री इंटरचेंज से हम उतर गए, और यहाँ से जो राइट साइड सड़क जाएगी ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ, हम पहले उस पे जाएंगे। इस रोड पे आते ही डेफिनेटली इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर, इतनी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन, ब्लू वर्ल्ड सिटी के इस डिज़ाइन की ज़रूर दाद देना बनती है, और वाकई लगता है कि जंगल में मंगल हो गया है। ये सामने मोविदा सिटी, जिसकी मस्जिद तो तामीर हो चुकी है, बाकी की सिटी कब तामीर होगी कुछ कह नहीं सकते। ये अगेन कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरसीज प्राइम ब्लॉक आ गया, जो इसी चक्री रोड के ऊपर ही आ जाता है, और चक्री रोड की मेन एंट्रेंस कैपिटल स्मार्ट सिटी की ये आपके सामने है। हम बिल्कुल उस मेन एंट्रेंस के सामने से गुजर रहे हैं इस वक्त। जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं मल्टी गार्डन्स फेज 2 में, उनको दिखा देते हैं साइट मल्टी गार्डन्स फेज 2 की। ये सारा एरिया मल्टी गार्डन फेज 2 था, और ये जो गांव आ चुका है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस लाइन भी पड़ रही है, बिल्कुल यहाँ पे बिछ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टर्न ले लिया गेट से, फैसल टाउन फेज 2 में हम एंटर हो चुके हैं। एंटर होते ही ये जो रोड है, ये पहले से तामीर है काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ और सोसाइटीज़ थी जिनका कब्ज़ा अब फैसल टाउन फेज 2 के पास आ गया है। चक्री रोड से जब एंटर हों तो काफ़ी ना हमवार जगह आती हैं सामने, प्लेन्स भी काफ़ी हैं, लेकिन गहरी खाइयाँ और ऊंचे पहाड़ भी काफ़ी हैं, जिनको इस वक्त कंपनी इंतज़ामिया लेवल कर रही है। ये जो विज़िट था हमारा चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ, उन्होंने पूरी साइट का हमें विज़िट कराया, एक एक जगह दिखाई। ये लोकेशन थी चौहान डैम के बिल्कुल साथ, यहाँ पे चौधरी साहब ने बताया कि चौहान डैम की 3 से 4 किलोमीटर की लेंथ जो है वो सारी की सारी फैसल टाउन फेज 2 के अंदर है। इस विज़िट के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स बना रखे थे, जहाँ पे उन्होंने सबको रोक के वहाँ प्रॉपर ब्रीफिंग दी, और बताया कि सोसाइटी कहाँ तक है, लोकेशन क्या है, और काम किस हद तक जा रही है। रास्ता कच्चा था, दुश्वार था, मिट्टी उड़ रही थी और धूल इतनी हो गई बाज़ जगहों पे कि हमें कुछ नज़र ना आता था कि हम कहाँ से गुज़र रहे हैं।
और ये जी हम चक्री रोड से एंटर हुए और इस वक्त हम अगेन पहुंच चुके हैं ठलियाँ वाली वो जगह जहाँ पे कटी पहाड़ी थी, जो हम कह रहे थे कि यहाँ से सोसाइटी शुरू हो जाती है। तो ये सारा सफ़र हमने जो चक्री रोड से यहाँ तक का है, कच्चे रास्ते थे इवन सोसाइटी के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे कुछ 10 से 15 मिनट में अगर मुसलसल हमारी गाड़ी चलती रहे तो हम पहुँच सकते हैं।